तो दोस्तों हम आए हैं छिंदवाड़ा बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने, जिसके कुछ अनोखे दृश्य हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है, जैसे कि हमारे गुरुदेव जहाँ जाते वहाँ पागलों का मेला होता है। ऐसा ही एक दृश्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, जहाँ हाल ही में गुरुदेव ने 3 दिन की हनुमंत कथा की, वहाँ के पागलों का ऐसा जमावड़ा था कि कई किलोमीटर तक रास्ते जाम थे, जिसे स्वयं गुरुदेव ने उड़न खटोले से इस दृश्य को देखा। ये भीड़ नहीं थी, ये राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर पागलों की टोली थी। बागेश्वर धाम सरकार दिन रात एक करके हिंदुओं को जगाने की कोशिश में लगे कि हिंदू अब वक्त है, जाग जाओ। और होता भी वैसा ही है जैसे बागेश्वर धाम सरकार चाहते। जहां इनके कदम पड़ते वह राज्य, वह मिट्टी, वह के पागल अपने आप राममय हो जाते। छिंदवाड़ा जिले ने सनातन की भक्ति शक्ति में अपना एक इतिहास रच दिया। नागपुर छिंदवाड़े हाईवे जाम कर दिया, भक्ति ऐसी कि सड़क पर चलने की जगह नहीं। बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत ऐसा कि हर तरफ सिर्फ पागल ही पागल। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़े तक हनुमंत कथा सुनने के लिए घर से चले आए। छिंदवाड़ा के पागलों की भक्ति ऐसी कि यहाँ मुसलमान भी गुरुदेव के दर्शन करने आए। गुरुदेव का नारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, अपने माता पिता की जय। जय हिंद, जय भारत।